किसी भी सेंटेंस के अंदर उनके काम के लिहाज से उनको डिफरेंट नाम हम देते हैं जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं ओके okay? यानी कोई वर्ड अगर वहां पे किसी नाम को रिप्रेजेंट करता है तो उसको हम नाउन कहते हैं और अगर वो किसी एक्शन को या काम को रिप्रेजेंट करता है तो उसको वर्ब कहा जाता है सो ऑन ओके सो वट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच द नेम्स गिवन टू वर्ड्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस इन स्पीच एंड राइटिंग आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच ओके तो हमारी स्पीच में या राइटिंग में जो वर्ड्स होते हैं तो उन वर्ड्स को उनके कामों के लिहाज से फंक्शंस के लिहाज से जो हम नाम देते हैं इंग्लिश में उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है ओके तो इंग्लिश में जैसे कि आपको पता है कि एट पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन प्रो वर्ब एजेक्टिव एडवर्ब प्रपोजिशन

अब नाउन की टाइप्स सो फर्स्ट टाइप हम देख लेते हैं कॉमन नाउन सो कॉमन नाउन जो है वो किसी भी कॉमन पर्सन प्लेस या थिंग का नाम होता है ओके सो इट इज द नेम ऑफ अ कॉमन और जनरल पर्सन प्लेस और थिंग एग्जाम्पल्स टेबल सिटी कंट्री बॉय स्टूडेंट बुक सो ऑल दीज आर कॉमन नाउन्स और फिर है प्रॉपर नाउन तो प्रॉपर नाउन जो है वो किसी भी एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस या थिंग को रिप्रेजेंट करता है ओके सो इट इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्सन प्लेस और थिंग फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद तो यहां पे देखें कॉमन नाउन में मैंने लिखा सिटी विच इज अच इज द नेम ऑफ अ जनरल और कॉमन थिंग लेकिन जब उसी को मैंने नाम दे दिया इस्लामाबाद का तो अब ये प्रॉपर नाउन बन गया इस तरह बॉय कॉमन नाउन था लेकिन अब अहमद मैंने लिख दिया तो ये प्रॉपर नाउन है इन पाकिस्तान ओके सो आर प्रॉपर नाउन द नेक्स्ट वन इज सिंगुलर नाउन सिंगुलर नाउन एज यू ऑलरेडी नो किसी भी सिंगल पर्सन प्लेस या चीज का नाम होता है जब कोई एक सिंगल चीज होगी तो उसको हम उसका उसका जो नेम होगा उसको हम सिंगुलर नाउन कहते हैं लाइक सिटी स्टोरी लीफ की और फिर है प्लूरल नाउन प्लूरल नाउन इज बेसिकली द नेम ऑफ मोर देन वन पर्सन प्लेस और थिंग लाइक सिटीज स्टोरीज लीव्स कीज द नेक्स्ट इज कंक्रीट नाउन तो कंक्रीट नाउन ऐसी चीजों का नाम होता है जिन चीजों को हम अपनी जो senses हैं five senses हैं उन उ, उनके जरिए जो डिटेक्ट कर सकते हैं परसीव कर सकते हैं ठीक है हम उनको आ, देख सकते हैं टच कर सकते हैं स्मेल कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं तो ऐसी चीजों के नामों को क्या कहा जाता है कंक्रीट नाउंस कहा जाता है सो कंक्रीट नाउन इज द नेम ऑफ थिंग्स विच कैन बी परसीव्ड बाय यूजिंग वन ऑफ आर फाइव सेंसेस इट रिफर्स टू थिंग्स विच एग्जिस्ट फिजिकली एंड कैन बी सीन टमेल्टेस्टेड फॉर एग्जाम्पल साल्ट एंड लैम ओके सो दीज आर कॉन्क्रीट नाउन्स तो इसी तरह अब इसका ऑपोजिट है कॉन्क्रीट नाउन का जिसको हम कहते हैं एबस्ट्रेक्ट नाउन ओके तो एबस्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीजों का नाम होता है जिनको हम डिटेक्ट uh, नहीं कर सकते अपनी फाइव सेंसेस के साथ

ख्याल को आइडियाज को जाहिर करता है उसका हवाला देता है ओके एग्जाम्पल्स ऑनेस्टी ट्रूथ सिंपथी लव हेट्रेड ओके तो ये सारे क्या हैं एब्स्ट्रैक्ट एब्सप्राउन से द नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन ओके कलेक्टिव नाउन जो है वो चीजों के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है ओके इट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ थिंग्स लाइक टीम क्राउड क्लास हर्ड नेक्स्ट वन इज काउंटेबल नाउन तो काउंटेबल नाउन जैसे कि नाम से जाहिर है ऐसी का नाम होगा कि जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं द नेम ऑफ थिंग्स विच कैन बी काउंटेड लाइक पेन बॉय बाइक्स और इसका अपोजिट होगा अनकाउंटेबल नाउन इट रिफर्स टू थिंग्स विच कांट बी काउंटेड जिन चीजों को गिना नहीं जा सकता लाइक राइस सैंड एयर The next one is material noun. So material noun ऐसी चीजों का नाम होता है जिनसे और चीजें बनाई जा सकती हैं. It is the name of materials from which other things can be made. For example, cotton, copper, silver and milk. तो so, इस तरह हमने nouns की uh, types को जो है वो quickly जो है वो overview कर लिया. So now we will have a quick look through types of pronouns. प्रो नाउन क्या होता है सो प्रोनाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच सो प्रोनाउन इज अ अ वर्ड नाउन जो कि नाउन की जगह यूज होता है कि जब हमने किसी भी नाम का रिपीटेडली जो है वो जिक्र करना होता है तो हम उसकी जगह प्रोनाउन का यूज करते हैं अप्रोनाउ की टाइप्स हैं तो फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन सो अ अर्सनल प्रोनाउन इज यूज इन प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पीपल तो हम जब लोगों के नामों की जगह डायरेक्ट जो वर्ड यूज कर देंगे लाइक ही शी इट दे वी यू एट्सेट्रा तो ये क्या है ये प्रोनाउंस जो है ये पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं द पोजेसिव प्रोनाउन अब पोजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं वो ऑनरशिप को पोजेसन को यानी मलकियत को शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं ठीक है जिस तरह माय, माइन योर, योर्स, आर हिज हर

खास तौर पर नहीं देते यानी वो जो है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करते फॉर एग्जाम्पल नो जब हम कहते हैं नो तो इसमें हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे ठीक है थीके? इसी तरह एवरी बॉडी बोथ मैनी ऑल ओके तो ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जो के, आ, किसी पर्सन या थिंग को इन पर्टिकुलर जो है वो रेफर नहीं करते नेक्स्ट वन इज रिलेटिव प्रोनाउन रेलेटिउन इज यूज टू रिफर टू नाउन्स मैं तो किसी सेंटेंस में जिन नाउन्स का जिक्र पहले से आ चुका हो तो उनके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन्स यूज करते हैं जो कि विच दैट हुए फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बॉय हु रोट द स्टोरी तो यहाँ पे हु जो है वो बॉय के लिए यूज uh, हुआ है और जिसका जिक्र हम पहले से कर चुके हैं लाइक दिस इज द बॉय हु रोट द स्टोरी

तो जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम तरह के होंगे तो हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं माई सेल्फ इट्सलम सेल्व हर सेल्फ हिम सेल्फ तो ये सारे क्या हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं नेक्स्ट इज इंटेंसिव और इम्फेटिक प्रोनाउंस अब इंटेंसिव या एम्फेटिक प्रोनाउन भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की तरह ही होंगे लाइक इन वर्ड्स के एंड पे भी सेल्फ आएगा जिस तरह माई सेल्फ इट सेल्फ वगैरह लेकिन इनका जो फंक्शन जो होगा इन इनका जो यूज होगा सेंटेंस में वो किस तरह होगा वो डिफरेंट होगा अब इनका जो इस्तेमाल है वो सेंटेंस के अंदर आ, आ, उनको इंटेंसिफाई करने के लिए या एम्फसाइज करने के लिए इस्तेमाल होगा ठीक है इन नाउन को हम उसको इंटेंसिफाई करने के लिए उस पर ज्यादा स्ट्रेस करने के लिए ज्यादा एम्फोसाइज करने के लिए इनका इस्तेमाल करेंगे जिस तरह के आई माई सेल्फ लाइक टू ट्रेवल खुद ट्रेवल करना पसंद करता हूँ यहाँ पे माई सेल्फ जो है वो एम्फसिस के लिए यूज हुआ है ठीक है इसी तरह शी हर सेल्फ बॉट द टिकट्स उसने टिकट्स खुद खरीदे तो यहाँ पे भी जो हर सेल्फ है ये आ, लगता तो बजाय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह है लेकिन यहाँ पे ये क्योंकि ये एम्फेसिस के लिए स्ट्रेस के लिए यूज हुआ है तो इसको हम इंटेंसिव या एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे the next one is indefinite pronoun so indefinite pronoun aisa pronoun hota hai that does not refer to any person or thing in particular ki jo kisi bhi शख्स या चीज के बारे में खास जो है वह वा, वाला नहीं देता okay यानी ये किसी particular person को या place को represent नहीं करता like nobody जब हम नो बॉडी कहते हैं तो हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे होते सिमिलरली एवरी बॉडी बोथ मैनी सो दीज आर प्रोनाउंस द नेक्स्ट डेफिनेट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन देर इज यूज टू पॉइंट टू समथिंग स्पेसिफिक जो कि किसी पर्टिकुलर चीज को पॉइंट करने के लिए यानी उसका इशारा देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं लाइक दिस दीज दैट दो नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज रेकिंग टूगे जब वो इकट्ठे काम कर रहे हो तो उनके लिए वो जो प्रोनाउन्स यूज होंगे उनका हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन्स कहते हैं लाइक ईच अदर वन एन अदर तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन्स है ईच अदर एंड वन एन अदर आर रेसिप्रोकल प्रोनाउन्स तो इस तरह हमने क्विकली जो है वो प्रोनाउंस की डिफरेंट टाइप्स को गो थ्रू कर लिया नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू वर्ब्स 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 ओके ओके एज यू ऑलरेडी नो आर एक्शन वर्ड्स सो जो है वो actions को रिप्रेजेंट करते हैं नाउ अब टाइप्स ऑफ वर्ब्स जो है वो काफी टाइप्स हैं इंग्लिश में वर्ब्स की लाइक रेगुलर वर्ब्स इरेगुलर वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स जिनको आप ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं ठीक है तो इसमें काफी उनकी टाइप्स है लेकिन हम यहां पे जो टाइप्स ओवरव्यू करेंगे आज वो है ट्रांजिटिव वर्ब एंड इन ट्रांजिटिव वर्ब ओके सो अ ट्रांजिटिव वर्ब इट इज अ वर्ब देर इज यूज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होगा जिसमें यानी एक जो ऑब्जेक्ट होगा यानी जिस चीज के ऊपर काम हो रहा होगा एक्शन होगा वो भी वहां पे होगा एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा जिस तरह के फॉर एग्जाम्पल ही हिट द बॉल उसने बॉल को हिट किया तो यहां पे देखें बॉल जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हिट का ठीक है सिमिलरली शी डिडेंट टेक टी तो यहाँ पे टी जो है वो वर्ब टेक का क्या ऑब्जेक्ट है तो इन दोनों सेंटेंसेज में क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट है तो ये दोनों सेंटेंसेज में जो वर्ब्स हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं ठीक है तो यहां पे हिट भी ट्रांजिटिव वर्ब है और यहां पे टेक जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है ओके तो ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं कि जिनका कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्ब अ अ वर्ब इज विदाउट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा वर्ब जिसमें कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा लाइक वी प्ले हम खेलते हैं तो यहाँ पे कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है सिमिलरली इट रेन्स टूडे तो इसमें भी देखें क्या है कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहां पे प्ले और रेन जो है वो दोनों इन ट्रांटिव वर्ब्स हैं डी स्टूडेंट्स तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को तो हमने गो थ्रू कर लिया तो अब हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी आ, हम अपनी राइटिंग में या स्पीच में जब यूज करते हैं तो उसके डिफरेंट वेज हो सकते हैं ओके तो उनको डिफरेंट तरीकों से यूज किया जा सकता है और डिफरेंट वेज के अंदर उन पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो मीनिंग्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं ओके तो इस हवाले से हम अब नेक्स्ट जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ जेरेंड पार्टिसिपल एंड इनफेनेटिव ओके तो यह भी वर्ड है जो कि पार्ट ऑफ स्पीच को इस्तेमाल करने के डिफरेंट तरीकों को वेज uh, को रिप्रेजेंट करते हैं द फर्स्ट वन इज जेरेंट जेरेंड इज अ वर्ड दिराइव फ्रॉम अ वर्ब बाई एडिंग आई एन जी टू इट एंड ऑलवेज फंक्शन एज अउन ओके तो जेरेंट कैसे बनता है कि हम किसी भी वर्ब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के एंड पे अगर हम आई एन जी लगा दें और फिर वो वर्ड जो है आई एनजी लगाने के बाद जो वर्ड बनता है तो वो वर्ड किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन का रोल प्ले करता हो नाउन के तौर पर यूज हो तो उस वर्ड को हम क्या कहेंगे जेरेंट कहेंगे ओके सिंस इट इज यूज एज अ नाउन इट कैन फंक्शन एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस अब ये जो नाउन होगा उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज हो सकता है और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज हो सकता है ओके okay? तो जेरेंट कैसा वर्ड है ऐसा वर्ड है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जी लगाने से बनेगा और यह वर्ड फिर किसी भी सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ नाउन का रोल प्ले करेगा ओके okay? तो ये और किसी पार्ट ऑफ स्पीच का रोल प्ले नहीं करेगा सिर्फ और सिर्फ नाउन का रोल प्ले करेगा तो अब हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं ऐसे कि जिनमें जेरेंड यूज हुआ है so example, healthy, okay? तो फॉर एग्जाम्पल ब्रशिंग आ टीथ कीप्स हेल्दी ओके तो फर्स्ट सेंटेंस में देखें यहां पे जो वर्ड है ब्रशिंग ओके okay? तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एनजी लगाने से बना है ब्रशिंग और यहां पे जो इसका रोल है काम है वो नाउन का है ठीक है तो यहां पे ब्रशिंग जो है वो क्या है बेसिकली नाउन है नाउन के तौर पे यूज हो रहा है ठीक है तो यहां पे ये यह क्या होगा जेरेंडो इस तरह सेकेंड सेंटेंस है माई हॉबी इज रीडिंग यहां पे रीडिंग क्या है जेरेंडे अगेन क्योंकि ये यहां पे नाउन का रोल प्ले कर रहा है

दैट इज डिराइव फ्रॉम अ वर्ब बाई एडिंग आई एनजी टू इट बट डेज अउन रादर इट फंक्शन एज एन एजेक्टिव और एड वर्ब ओके तो जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी ले गए और वो वर्ड जो है वो अब अगर नाउन का रोल प्ले न करे यानी किसी एजेक्टिव का या एड वर्ब का रोल प्ले करे तो फिर उसको हम पार्टिसिपल कहते हैं ओके okay? तो पार्टिसिपल भी कैसे बनता है यानी अब पार्टिसिपल की भी टाइप्स होती है उनको हम थोड़ी देर में देखेंगे एग्जाम्पल्स वी स्टोड वेटिंग फॉर द टैक्सी इस सेंटेंस में वेटिंग जो है वह अब फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगा हुआ है लेकिन ये अब आ, ये आ, नाउन का रोल प्ले नहीं कर रहा तो ये क्या होगा ये जेर एंड नहीं होगा ये पार्टिसिपल होगा ठीक है तो ये ये एक पार्टिसिपल है इसी तरह सेकंड सेंटेंस में ही सॉ इज फ्रेंड गोइंग आउटंग जो है वो एड वर्ब का रोल प्ले कर रहा है हालांकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगा है और एड वर्ब का रोल प्ले कर रहा है तो ये पार्टिसिपल होगा इस तरह दे आर वर्किंग पर्सन तो यहाँ पे वर्किंग जो है वो एजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है तो ये भी क्या होगा पार्टिसिपल होगा इस तरह फिर बाकिंग डॉग सेल्डम बाइड तो ये एक डी है फेमस ठीक है इसका उर्दू वर्जन क्या होता है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं तो इस सेंटेंस में भी देखें बाकिंग जो लिखा हुआ है वो आपके फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एनजी लगा दिए लेकिन यहाँ पे भी इसका जो फंक्शन है इस वर्ड का वो है एजेक्टिव का तो ये भी क्या होगा पार्टिसिपल होगा जब भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई लगा दें और वो वर्ड अगर एडजेक्टिव या प्ले का रोल नहीं करेगा तो वो पार्टिसिपल होगा और अगर का प्ले तो वो होगा। अब भी तीन तरह के होते हैं टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स ओके द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल तो प्रेजेंट पार्टिसिपल याद रखें कि जिस तरह भी जो हमने सेंटेंस लिए ये सारे प्रेजेंट हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वह आपके फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से बनता है ठीक है तो वह आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दें तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ओके अब जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो थर्ड फॉर्म को कहा जाता है ओके थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है इन द नेक्स्ट वन इज परफेक्ट परफेक्ट पार्टिसिपल तो पार्टिसिपल कैसे बनता है कि जब हम हैविंग uh, लिखते हैं और हैविंग के बाद वह आपकी थर्ड फॉर्म लगा देते हैं उसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ंग रिसीव द मैसेज शी लेफ्ट द ऑफिस इमिजिएटली मैसेज रिसीव होने के बाद वो ऑफिस से चली गई तो यहाँ पे देखिए मैसेज रिसीव होने के बाद यहाँ पे having और थर्ड फॉर्म यूज हुई है तो हैविंग रिसीव तो ये जो होगा है तो ये क्या होगा यहाँ पे परफेक्ट वर्ड स्पल होगा इस तरह इस सेंटेंस को हम इस तरह भी लिख सकते थे शी है मैसेज लेफ्ट ऑफिस इमीजिएटली तो सेम चीज को हम सेम सेंटेंस को हमने एक डिफरेंट वे से लिख दिया तो यहां पे भी जो हैविंग रिसीव्ड है ये क्या होगा परफेक्ट पार्टिसिपल होगा हम तो इस सेंटेंस को इस तरह भी लिख सकते थे शी लेफ्ट द ऑफिस इमीजिएटली द मैसेज तो यहाँ पे हैविंग रिसीव्ड क्या है ये क्या है यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल है तो परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है ठीक है हैविंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक है तो having received का मतलब क्या हुआ कि रिसीव करने के बाद इस तरह आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ठीक है आई वुड लाइक टू कॉमेंट ऑन दिस मैं ये चीज कहने के बाद इस पर यह कॉमेंट करना चाहूंगा तो कह सकते हैं आप तो अक्सर हम अपनी स्पीच में या राइटिंग में ये वर्ड्स uh, यूज करते हैं हैविंग और उसके बाद थर्ड फॉर्म तो ये किसी भी कंप्लीटेड एक्शन को रिप्रेजेंट करता है द नेक्स्ट इज इन्फिनेटिव ओके तो इन्फिनेटिव जब हम बात कर लेते हैं तो इन्फिनेटिव जो है वो भी किसी वर्ब से बनता है कि जब हम किसी वर्ब से पहले जो है वो टू uh, लगा देते हैं ठीक है जब किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू uh, लग जाता है तो उसको इन्फिनेटिव कहते हैं तो एन इंफिनेटिव इज अ वर्ब दैट इज प्रिस टू एन फंक्शन एज अउन एंड एजेक्टिव और एन एड वर्ब Okay, तो याद रखें कि जब किसी भी वर्ब से पहले टू आ जाता है तो फिर अब वो वर्ब नहीं रहता ठीक है तो उसका जो जो रोल है पार्ट ऑफ स्पीच है वो चेंज हो जाता है अब वो नाउन बन जाता है या एडजेक्टिव बन जाता है या एडवर्ब बन जाता है तो अब ये वर्ब नहीं रहता फॉर एग्जाम्पल ही वॉन्टेड टू क्लाइम टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग यहां पे देखिए टू क्लाइम ही वॉन्टेड टू क्लाइम तो यहां पे

टू लिसन जो है ये इंफिनेटिव है क्योंकि यहां पे ये नाउन का रोल प्ले कर रहा है तो ये इनफेटिव है टू पे देट मच मनी फॉर अज फोलिश तो वर्ट इज फुलिश टू पे पेट मच मनी तो यहां पे भी जो है वो क्या है नाउन का रोल प्ले कर रहा है तो ये क्या होगा यहाँ पे इन्फिनेटिव होगा ओके तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आ जाता है तो उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं तो अब इन्फिनेटिव जब होता है इन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने लगाने पर अब जो वर्ब है वो अब नाउन एडजेक्टिव या एड वर्ब बन जाता है नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रेज एंड इट्स टाइप्स ओके तो फ्रेज क्या होता है जैसे कि आपको पता है कि फ्रेज जो है वो वर्ड्स uh, का एक ग्रुप होता है जो कि कोई कंप्लीट सेंस uh, नहीं बनाता कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाता फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन ओके एंड इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस बट इट कॉम्प्लीमेंट्स सेंटेंस. तो फ्रेज क्या होता है ये वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप होता है कि जिसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता ठीक है सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे यूज नहीं होंगे फ्रेज के अंदर ठीक है तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाता यह सिर्फ सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाता है नी ग्रुप ऑफ विच हैज नो सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे नहीं होंगे उसको हम फ्रेज कहेंगे फॉर एग्जाम्पल ऑन द टेबल तो अब ये हमारे पास थ्री वर्ड्स हैं ठीक है ऑन द टेबल अब इनमें कोई यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे यूज नहीं हुए तो ऑन द टेबल तो ये क्या होगा ये फ्रेज होगा दिस इज अ फ्रेज सिमिलरली गोइंग टू स्कूल तो यहां पे देखें गोइंग टू स्कूल तो यहां पे ऑल दो वर्ब है गोइंग टू स्कूल लेकिन यहां पे क्या है कोई सब्जेक्ट नहीं है तो ये भी क्या होगा फ्रेज होगा तो एनी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग नो सब्जेक्ट एंड वर्ब टुगेदर इज नोन एज अ फ्रेज अब फ्रेज की कई टाइप्स होती हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ़ फ्रेजेस। फ्रेजेस अब कई टाइप्स के होंगे जेरेंट फ्रेज पार्टिसिपल फ्रेज इंफिनेटिव फ्रेज नाउन फ्रेज वर्ब फ्रेज एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज एंड प्रजिशनल फ्रेज अब इन टाइप्स को हम वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं और इन सेंटेंसेज में इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे फर्स्ट so है हमारे पास नाउन फ्रेज ओके तो नाउन फ्रेज क्या होता है अ फ्रेज विच फंक्शन एज अ नाउन इन सेंटेंस सिंपल यानी ऐसा फ्रेज होगा कि जिसका किसी सेंटेंस में नाउन का काम हो नाउन का रोल प्ले करेगा तो वो नाउन फ्रेज होगा फॉर एग्जाम्पल ही बॉट अ ब्यूटिफुल ब्लैक ड्रेस ओके तो यहां पर सेंटेंस में नाउन फ्रेज क्या होगा सो ही बॉट वट उसने क्या चीज खरीदी ओके अ ब्यूटीफुल ब्लैक ड्रेस ओके तो यहां पे देखें अ ब्यूटीफुल ब्लैक ड्रेस तो ये बेसिकली एक फ्रेज है अ ब्यूटीफुल ब्लैक ड्रेस तो एक फ्रेज है और इस फ्रेज का यहां पे जो फंक्शन है वो किसका है नाउन का है ठीक है ही बॉट वट सो ही बॉट अ ब्यूटीफुल ब्लैक ड्रेस तो यहाँ पे ये यह नाउन का रोल प्ले कर रहा है ये फ्रेज जिसको मैंने अंडरलाइन किया है तो ये क्या होगा नाउन फ्रेज सेंटेंस so में देखें अन विंडो शाउटेड फॉर हेल्प अब यहां पे भी देखें विंडो शड फॉर हेल्प में हुआ वुमन इन विंडो तो वुमन इन विंडो जो है ये क्या होगा यहाँ पे यह नाउन का रोल प्ले कर रहा है और ये फेज है तो ये क्या होगा नाउन फेज

और यहां पे राइटिंग जो है वो मेन वर्ब है तो इज राइटिंग तो ये पूरा फिर क्या होगा इज राइटिंग ये क्या होगा वर्ब फ्रेज होगा तो वर्ब फ्रेज में हेल्पिंग वर्ब और साथ मेन वर्ब आएगा दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग तो यहां पे भी देखें प्लेइंग मेन वर्ब है लेकिन उससे पहले जो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब है वो है तो हैव बीन तो हैव बीन प्लेइंग तो ये सारा कॉम्बिनेशन जो है ये क्या होगा ये वर्ब फ्रेज होगा जब भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इकट्ठे लिखे जाएंगे तो उनको हम वर्ब फ्रेज कहते हैं ऐसा फ्रेज है जो कि सेंटेंस में एजेक्टिव का रोल प्ले करता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल अ बॉय ऑन द रूफ इज लुकिंग एट द स्काई आप इस सेंटेंस में देखें नाउन है बॉय और उसको मोडिफाई uh, करने वाला यहां पे जो एजेक्टिव है वो कौन सा है ऑन द रूफ अ बॉय ऑन द रूफ इज लुकिंग एट द स्काई तो यहां पर देखें ऑन द रूफ जो है ये एजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है ठीक है सो दिस इज एन एजेक्टिव फ्रेस अब ये नाउन को फर्दर डिस्क्राइब कर रहा है मोडिफाई कर है. Okay, तो यहां पर एजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है सिमिलरली अब वोमेन इन रेड ड्रेस इज वॉकिंग इन द गार्डन यहां पर भी देखें अब यहां पर वोमेन जो है वो नाउन है और इन रेड ड्रेस ओके तो ये उस नाउन को फर्दर मॉडिफाई कर रहा है तो यहाँ पे भी ये एजेक्टिव का रोल प्ले कर रहे। so, dress, so यहां पे क्या होगा? होगा। फिर एड वर्ब तो फ्रेज होगा जो में का, का काम करेगा अ फ्रेज एक्ट्स एज एन एड वर्ब देखें ही ड्राइव्स हिज कार एट अ वेरी हाई स्पीड अब आपको पता है कि एड वर्ब क्या होता है एडवर्ब ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि वर्ब को मोडिफाई करता है तो यहाँ पे देखें मेन हमारा जो वर्ब है वो है ड्राइव देखें ही हिज कार एट अ वेरी हाई स्पीड आप देखें ये जो फ्रेज है एट अ वेरी हाई स्पीड तो ये ऐसा फ्रेज है जो कि वर्ब को मोडिफाई कर रहा है तो एट अ वेरी हाई स्पीड तो ये जो अंडरलाइन जो फ्रेज है ये क्या होगा यहां पर एट वर्ब फ्रेज एट अ वेरी हाई स्पीड तो यहां पर एड वर्ब फ्रेज है इसी तरह दे वेलकम देअ गेस्ट नाइस वे nice तो यहां पर भी देखें वेलकम मेन वर्ब है और इन ए नाइस वे तो ये उस वर्ब को मोडिफाई कराइस एड वर्ब का रोल प्ले कर रहा तो nice है तो ये एड फ्रेज होगा okay? तो ऐसा फ्रेज जो कि सेंटेंस में एड वर्ब का रोल प्ले करेगा सिंपली एड बॉब फ्रेज होगा प्रेपोजिशनल फ्रेज एंड पार्टिसिपल फ्रेज ओके ये देख लेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज प्रपोजिशनल फ्रेज इज अज दिशन इनटेंस प्रन से स्टार्ट होता है कार्पेट तो यहां पर देखें ऑन दिशन से स्टार्ट होने वाला फ्रेज है तो यह क्या है प्रेपोजिशनल फ्रेज है सो दिस इज अपोजिशनल फ्रेज ही ऑलवेज स्पीक्स इन अलाउड वॉइस अब देखें इन अलाउड वॉइस इन प्रेपोजिशन है तो इससे स्टार्ट होने वाला ये जो फ्रेज है

पार्टिसिपल फ्रेज ऐसा फ्रेज होगा जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल से स्टार्ट होगा और वो सेंटेंस के अंदर एजेक्टिव का रोल प्ले करेगा जिस तरह देखें द स्टूडेंट रेजिंग हिज हैंड एन एक्स्ट्रा शीट पे भी देखें स्टूडेंट जो है वो नाउन है और उसको डिस्क्राइब करने वाला यहाँ पे हमारे पास जो चीज है वो है रेजिंग हिज हैंड तो रेजिंग हिज हैंड यहाँ पे एजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है तो ये क्या होगा पार्टिसिपल फ्रेज होगा क्योंकि यहाँ पे चेयर तो so तो नाउन है और उसको डिस्क्राइब करने वाला जो यहाँ पे फ्रेज वेड ऑफ प्लास्टिक तो मेड ऑफ प्लास्टिक यहाँ पे एजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है और मेड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है तो ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज की एग्जाम्पल है तो पास्ट पार्टिसिपल फेज ये सिंपली पार्टिसिपल फेज

वॉचिंग यहाँ पे जेरेंड है वो नाउन के तौर पे यूज हुआ है और आई एंजॉय वॉचिंग मूवीज अब ये जो फ्रेज है मूवीज ये खुद एक आ, नाउन के तौर पे यूज हुआ है ठीक है आई एंजॉय वट सो आई एंजॉय वॉचिंग मूवीज तो ये वॉचिंग मूवीज यहाँ पे एक फ्रेज है ठीक है जो जेरेंड से स्टार्ट हो रहा है वॉचिंग जेरेंड है जो जेरेंड से स्टार्ट होने वाला फ्रेज है और ये पूरा फ्रेज इस सेंटेंस में नाउन का रोल प्ले कर रहा है तो इसको हम कहेंगे जेरेंट सेकंड सेंटेंस में क्राइंग ऑफ द बेबी डिस्टर्ब मी ओके सो क्राइंग ऑफ द बेबी तो यहां पे देखें द क्राइंग ऑफ द बेबी फ्रेज है जो कि क्राइंग से से स्टार्ट हो रहा है और ये यह पूरा यहाँ पे नाउन का रोल प्ले कर रहा है तो ये भी क्या होगा जेरेंट फ्रेज तो जेरन फ्रेज जो है वो जेरन से स्टार्ट होगा और सेंटेंस में नाउन का रोल प्ले करेगा ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंड टाइप्स तो देखें फ्रेज हमने पढ़ लिया है कि फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों यूज नहीं होंगे इकट्ठे यूज नहीं होंगे तो अब क्लॉज जो है वो फ्रेज का ऑपोजिट है ओके okay? अब क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन ओके तो क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों इकट्ठे यूज होंगे अ ग्रुप ऑफ अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इज नोन एज अ क्लॉज ओके तो एग्जांपल्स देख लेते हैं आई विल वेट टू बाय अ कार तो यहां पे देखें सब्जेक्ट आई है और वेट यहां पे वर्ब है ठीक है तो अब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं सेंटेंस के अंदर तो ये वाला सेंटेंस क्या होगा एक क्लॉज होगा इसी तरह सेकेंड सेंटेंस एज ही enjoys इट अब देखें ही यहाँ पे सब्जेक्ट है और एंजॉय यहाँ पे वर्ब है तो अब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं, तो ये भी क्या होगा क्लॉज होगा अब देखें हालांकि ये एक कम्प्लीट सेंटेंस नहीं है एज ही enjoys इट तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना रहा लेकिन फिर भी क्या है क्लॉज होगा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ गए है. इस तरह थर्ड में देखें इफ यू वर्क हार्ड अब यू जो है सब्जेक्ट है और वर्क जो है वो वर्ब है तो ये क्या होगा सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ गए तो ये भी क्या होगा एक क्लॉज होगा हालांकि ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है इफ यू वर्क हार्ड ठीक है तो क्लॉज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होंगे लेकिन अब क्लॉज जो है वो कंप्लीट सेंटेंस बना भी सकता है जिस तरह फर्स्ट सेंटेंस है हमारा आई विल वेट टू बाय अ कार और क्लॉज जो है वो एक इनकंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है क्लॉज एक कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है कंप्लीट थॉट का नाम भी हो सकता है या वो एक इनकम्प्लीट सेंटेंस भी हो सकता है इनकम्प्लीट था इस आ, बेस के ऊपर हम क्लॉजेस को भी दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं ठीक है इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज ओके तो अब इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज भी कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं तो ये एक ऐसा क्लॉज होगा जो कि कंप्लीट सेंटेंस बनाएगा ओके अ क्लॉज दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस फॉर एग्जांपल आई डेड माय होमवर्क वर्क यहां पर देखें सब्जेक्ट है डेड वर्ब है तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं और ये क्लॉज है लेकिन साथ साथ ये कंप्लीट सेंटेंस है तो ये इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे या मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे तो ऊपर जो एग्जाम्पल थी उसमें जो फर्स्ट सेंटेंस था आई विल वेट टू बाई अ कार तो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था अब देखें फिर है डिपेंडेंट क्लॉज इसको हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं तो अब ये ऐसा क्लॉज है जो कि कंप्लीट थॉट नहीं बनाता कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाता ये यानी किसी सेंटेंस में अलोन जो है वो नहीं रह सकता यानी अलोन कोई ये सेंस को नहीं बनाएगा अ क्लॉज देट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस ओके तो ऐसा क्लॉज जो कि एक सेंटेंस के तौर पर काम नहीं कर सकता ठीक है उसको हम क्या कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज जिस तरह के ऊपर एग्जाम्पल्स में देखें एज ही एंजॉयज इट ये क्लॉज था लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना रहा तो ये डिपेंडेंट क्लॉज होगा इस तरह इफ यू वर्क हार्ड ये भी एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा तो देखें एक और एग्जाम्पल है ऑल दो ही वर्कड हार्ड अब देखें ही वर्क हार्ड तो ये क्लॉज है सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं इसमें लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना रहा तो ये भी क्या हो गया एक डिपेंडेंट या सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा जो डिपेंडेंट क्लॉज है ये भी आप थ्री टाइप्स का हो सकता है ठीक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाता तो वो भी तीन तरह का हो सकता है नाउन क्लॉज एजेक्टिव क्लॉज या एडवर्बियल क्लॉज ठीक है नाउन क्लॉज इज डिपेंडेंट क्लॉज दैट फंक्शंस लाइक नाउन ऐसा डिपेंडेंट क्लॉज जो कि नाउन का रोल प्ले करेगा सेंटेंस के अंदर वो नाउन क्लॉज कहलाएगा एग्जाम्पल वट यू आर ईटिंग लुक्स डिलिशियस ओके इस सेंटेंस को देखें वट यू आर ईटिंग लुक्स डिलिशियस ओके सो वट लुक्स डिलिशियस है यानी क्या चीज डिलिशियस नजर आती है ओके वट यू आर ईटिंग सो वट यू आर ईटिंग अगर देखें इस पूरे इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को वट्स यू आर ईटिंग तो वट यू आर ईटिंग जो मैं देखें यहां पे सब्जेक्ट भी है और वो भी है तो ये एक क्लॉज है लेकिन वर्ड यू आर ईटिंग को अगर हम इंडिपेंडेंटली अलग से यानी इसको यूज करें तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाता तो इट मीन की एक डिपेंडेंट क्लॉज है लेकिन यहां पे क्योंकि ये नाउन का रोल प्ले कर रहा है तो ये क्या होगा नाउन क्लॉज इस सेंटेंस के अंदर ये नाउन क्लॉज का रोल प्ले कर रहा है वर्ड यू आर ईटिंग सिमिलरली एन एजेक्टिव क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट फंक्शन लाइक एन एजेक्टिव और अगर डिपेंडेंट क्लॉज एजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा हो उसको हम एजेक्टिव क्लॉज कहेंगे फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस में देखें द स्टूडेंट हु दिस स्टोरी इज एबसेंट अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट नाउन है और उसको डिस्क्राइब करने वाला जो फ्रेज है यहाँ पे हु दिस स्टोरी ओके तो हु दिस स्टोरी तो यहाँ पे देखें इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है तो ये एक क्लॉज है लेकिन ये क्लॉज अकेला जब लिखा जाएगा तो कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाता तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है लेकिन अब क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है डिस्क्राइब कर रहा है तो ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है तो इसलिए यहां पे ये एक एडजेक्टिव क्लॉज होगा ओके एडजेक्टिव क्लॉज द स्टूडेंट स्टोरी इज एबसेंट स्टोरी ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा फिर एडवर्बियल क्लॉज तो सिंपली ऐसा क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज जो एडवर्ब का रोल प्ले करे सेंटेंस के अंदर वो एडवर्बिल क्लॉज कहलाता है फॉर एग्जाम्पल क्लास विल स्टार्ट स्टार्टन द टीचर ओके सो विल क्लास स्टार्ट क्लास कब स्टार्ट होगी वेन द टीचर अराइव और यहां पर देखें वेन द टीचर अराइव्स ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स को देखें अब इसमें क्या है सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं मीन की ये क्लॉज है अब वेन द टीचर अराइव जब हम वैसे लिखें अकेला तो ये कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाता इट कि ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है लेकिन यहां पे ये एक adverb का रोल प्ले कर सेंटेंस के अंदर क्लास विल स्टार्ट व्हेन द टीचर अराइव टीचर अराइव जो है वो हमारे वर्ब को स्टार्ट जो वर्ब है उसको मॉडिफाई कर है. Adverb का रोल प्ले कर है. तो यहाँ पे ये क्या होगा एडवर्बियल क्लॉज सो दिस इज एडवर्बियल क्लॉज ऐसा क्लॉज है डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है इस सेंटेंस के अंदर तो ये क्या होगा एडवर्बियल क्लॉज होगा सो नाउ वी विल टॉक अबाउट कंडीशनल कंडीशनल सेंटेंसेस सेंटेंसेस एंड देयर टाइप्स सो व्हाट आर और कंडीशनल इन इंग्लिश कंडीशनल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें किसी कंडीशन की बात हो रही है उसमें कोई कंडीशन पाई जाती है फॉर एग्जाम्पल इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड अब देखिए इस सेंटेंस में इफ यू वर्क हार्ड ये कंडीशन है कि अगर आप मेहनत करोगे यू विल सक्सीड तो आप कामयाब हो जाओगे तो ये कंडीशनल सेंटेंस है अब इस सेंटेंस के दो हैं पार्टी इफ यू वर्क हार्ड एक इसका ये पार्ट है ठीक है और एक ये पार्ट है यू विल सक्सीड अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट है हम कहते हैं कि ये कंडीशन पार्ट है इस कंडीशनल सेंटेंस का ये इसकी कंडीशन है ठीक है और अब देखें दोनों पार्ट्स में फर्स्ट में देखें इफ यू वर्क हार्ड तो इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है तो ये भी एक क्लॉज है इस तरह सेकंड पार्ट में भी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं तो ये भी एक क्लॉज है तो ये दोनों पार्ट्स बेसिकली हैं अब ये जो फर्स्ट पार्ट है इफ यू वर्क हार्ड इसको हम आ, कौन सा क्लॉज कहते हैं इसको हम कहते हैं कंडीशन क्लॉज सो दिस इज बेसिकली कंडीशन क्लॉज ऑफ दिस कंडीशनल सेंटेंस कंडीशन क्लॉज है ये इसको हम इफ क्लॉज भी कहते हैं क्या कहते हैं इफ क्लॉज अब से जो सेकंड पार्ट यू विल सक्सीड तो ये इसका रिजल्ट क्लॉज है यानी इस कंडीशन का ये रिजल्ट रिजल्ट है है क्लॉज ठीक सो इफ यू वर्क हार्ड तो इस सेंटेंस का ये इफ क्लॉज है ये कंडीशनल क्लॉज है एंड यू विल सक्सीड ये रिजल्ट क्लॉज है अच्छा आप देखें टेंसेज को अगर आप और से देखें तो यहाँ पे ये जो इफ uh, क्लॉज है ये कौन से टेंस में लिखा हुआ है सो इफ क्लॉज का ये जो uh, यहाँ पे टेंस है ये जो टेंस है ये कौन सा टेंस है ये है जी प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस इफ क्लॉज कौन से टेंस में लिखा हुआ है प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस जबकि जो रिजल्ट क्लॉज है ये फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस में लिखा हुआ है ये फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ है ओके okay, तो ऐसा कंडीशनल सेंटेंस जिसमें इफ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो और रिजल्ट क्लॉज जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर में हो तो ऐसे कंडीशनल सेंटेंस को हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस ऑफ टाइप वन सो दिस इज अ टाइप वन कंडीशनल सेंटेंस ठीक है टाइप वन कंडीशनल सेंटेंस आप इसी सेंटेंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड ओके तो ये क्या था हमारे पास ये एक कंडीशनल सेंटेंस ऑफ टाइप वन है कि जिसमें हमने ये कैसा कंडीशनल सेंटेंस होगा जिसमें इफ क्लॉज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा और रिजल्ट क्लॉज जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा अब हम बात कर लेते हैं एक और टाइप की कंडीशनल सेंटेंस की अगर देखें सेंटेंस इस तरह लिखा हो इफ यू वर्क हार्ड If you worked hard, you would succeed. अब देखें अब डिफरेंस क्या है अब इसका जो इफ क्लॉज है ये कौन से टेंस में लिखा हुआ है अब if you worked hard, ये अब ये पास्ट इन टेंस में ये में में, लिखा हुआ है, ठीक है और अब इसका जो रिजल्ट uh, क्लॉज है उसमें वुड का इस्तेमाल हुआ है और जब भी कंडीशन uh, सेंटेंस में इफ क्लॉज पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हो और रिजल्ट क्लास में वुड का इस्तेमाल होगा तो ऐसे कंडीशनल को हम कंडीशनल ऑफ टाइप टू कहते हैं सो दिस इज टाइप 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 कंडीशनल कंडीशनल सेंटेंस सेंटेंस तो और टाइप टू कंडीशनल इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं यू वुड सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड अब थर्ड टाइप हमारे पास जो कंडीशनल की है वो इस तरह है देखें इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड है देखें जो इफ क्लॉज है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस जब हमारा इफ क्लाज पास परफेक्ट टेंस में हो और आगे देखें रिजल्ट क्लाज में वुड है थर्ड फॉर्म आई है वुड है थर्ड फॉर्म तो इस तरह का जो कंडीशनल सेंटेंस होगा उसको हम टाइप थ्री कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं दिस इज कंडीशनल सेंटेंस ऑफ टाइप थ्री तो ये होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री सो so, ये थ्री टाइप्स हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की अब टाइप वन में जो इफ क्लॉज है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में होगा और रिजल्ट क्लॉज में विल का इस्तेमाल आएगा सिंपल फ्यूचर टेंस होगा और टाइप टू क्लॉज है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा और रिजल्ट क्लॉज में वुड का इस्तेमाल होगा और टाइप थ्री कंडीशनल सेंटेंस में जो इफ क्लॉज है वो पास परफेक्ट टेंस में होगा और इसका जो रिजल्ट क्लॉज है उसमें वुड हैव और की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा इस सेंटेंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं यू वुड हार्ड नाउलेट्स टॉक अबाउट इनदर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इंग्लिश ग्रामर जो कि राइटिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वह है पंक्चुएशन तो एग्जाम में भी आपको पंक्चुएशन के ऊपर क्वेश्चन आता है और पंक्चुएशंस क्या होते हैं आपको पता है कि फुल स्टॉप कॉमा क्वेश्चन मार्क्स स्पीच मार्क्स या कोटेशन मार्क्स भी हम जिन्हें कहते हैं एक्सक्लेशन मार्क्स तो इन तमाम मार्क्स uh, को राइटिंग uh, के अंदर प्रॉपरली प्लेस करने को पंक्चुएशन कहा जाता है ठीक है और यहां पे हम प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ पैराग्राफ या लाइंस दूंगा जिनको आपके सामने में पंक्चुएट करके आपको दिखाऊंगा तो पंक्चुएशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पंक्चुएशन होती है वो है पंक्चुएशन ऑफ डायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन की पंक्चुएशन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ठीक है तो एग्जाम में भी ज्यादा जो पंक्चुएशन आपसे पूछी जाती हैं वो उनमें डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल या डायरेक्ट नरेशन का इस्तेमाल ज्यादा होता है ठीक है तो प्रैक्टिस के लिए आइए एक पैराग्राफ को पंचुएट कर लेते हैं तो पंचुएट द फॉलोइंग लाइंस और पैराग्राफ ही सेड व्हाई डू यू कम एंड डिस्टर्ब मी व्हाट अ नुसेंस यू आर व्हाई कांट यू प्ले समवेयर एल्स कांट यू सी दैट आई वांट टू वर्क गो अवे एट वंस एंड डू नॉट कम हियर अगेन तो अब देखें जब तक राइटिंग में प्रॉपर पंचुएशन नहीं होगी तो राइटिंग में कोई जो है वो इम्पैक्ट नहीं होता और राइटिंग बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं होती और वो कोई इतना सेंस नहीं बना रही होती है ठीक है तो यहाँ पे हम इसकी पंक्चुएशन देखें तो ही यू आपके एंड तक इस पैराग्राफ में इन लाइन में जो बात कही हुई है वो डायरेक्ट स्पीच है यानी वो किसी शख्स की कही हुई बात है डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन है तो यहाँ से कॉमा के बाद हम डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट करेंगे हम इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे या कोटेशन मार्क्स ये स्पीच मार्क्स पीरियड कहते हैं वो स्टार्ट कर देंगे सो वाई डू यू कम इन डिस्टर्ब मी यहाँ पे सेंटेंस एंड हो गया है क्वेश्चन मार्क है और फिर है वट ए यू आर नया सेंटेंस स्टार्ट हो तो नया सेंटेंस का जो फर्स्ट uh, वर्ड का फर्स्ट लेटर है डब्ल्यू कैपिटल होना चाहिए था एक और बात है कि अभी हम स्पीच मार्क्स को यहाँ पे एंड नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये जो बात है वट ए न्यू सेंस यू आर ये अगेन उसी स्पीच का हिस्सा है तो हम इसको उसी स्पीच के अंदर ही रहने देंगे

अब जब इसको स्टॉप कर दिया हमने तो कांट जो है जो फर्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर सी कैपिटल होगा लेकिन can't यहां पे लिखेंगे अगेन तो यहां जाके स्पीच कंप्लीट होती है तो यहां जाके हम स्पीच मार्क्स क्लोज कर देंगे इनवर्टेड कॉमर्स क्लोज कर देंगे ये कोटेशन मार्क्स क्लोज कर देंगे और याद रखिए कि स्पीच मार्क्स में हमेशा जो जो स्पीच के अंदर जो लास्ट पे जो फुल स्टॉप है या क्वेश्चन मार्क है तो हमेशा स्पीच मार्क्स के अंदर रखा जाएगा तो यहाँ पे फुल स्टॉप जो एंड पे स्पीच मार्क्स के अंदर होगा तो इसकी प्रॉपर पंक्चुएशन के साथ इस पैराग्राफ को अगर हम दोबारा से देखें तो वो ये होगा ठीक है ही सेट वाई डू यू कम हेयर एंड डिस्टर्ब मी वट एन यू आर वाई कॉन्ट यू प्ले समेर एल्स कॉन्ट यू सी दैट आई वॉन्ट टू वर्क गो अवे एट वंस एंड डू नॉट कम हेयर अगेन अब देखें अब ये पैराग्राफ प्रोपरली पंक्चुएटेड है और अब ये आप देख सकते हैं कितना इंपेक्टफुल है कितना अट्रैक्टिव है और नाउ इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस नाउ इट इट इज अम्प्लीट था तो पंक्चुएशन जो है वो राइटिंग में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है नाउ लेट्स टेक अदर एग्जाम्पल पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइन और पैराग्राफ एस रेज द

यहाँ पे ये भी सही नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे प्रॉपर पंक्शन क्या होगी ये खातून का औरत का तो ये पोजिशन शो हो रहा है तो यहाँ पे तो थ्रॉट द सोलन पार्ट विद सो मच फोर्स डेट क्रीचर इंस्टेंटली एक्सपायर तो यहां तक तो ये सेंटेंस कंप्लीट होता है तो यहाँ हम फुल स्टॉप डाल देंगे और नये सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसमें ए कैपिटल होगा अ क्राइड द पीपल दिस फेलो इज अ विलन अब देखें ये जो बात है ये लोगों की कही हुई बात है तो ये भी अगेन स्पीच मार्क के अंदर आएगी आ तो यहाँ पे देखें हमने स्पीच मार्क स्टार्ट कर देने आ और उसके बाद कॉमा और फिर स्पीच मार्क्स क्लोज कर देने क्योंकि यहाँ पे स्पीच लोगों की फिर एंड हो जाती है क्राइड द पीपल यहाँ तक एंड हो जाती है दिस फेलो इज अ विलन तो यहाँ पे फिर लोगों की स्पीच है डायरेक्ट स्पीच है तो यहाँ पे कॉमा आएगा और दिस फेलो इज अ विलन क्योंकि ये स्पीच है तो हम यहाँ पे टी को कैपिटल रखेंगे और इसको यहां से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर देंगे और एंड पे दिस विलन एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दें तो बेहतर है स्टॉप भी हो सकता है और यहाँ पे फिर स्पीच मार्क्स को हम क्लोज कर देंगे तो इस तरह इसकी प्रॉपर जो पंक्टेशन के साथ ये सेंटेंस क्या बनेगा वो इस तरह होगा इस्तेमाल हुआ है एंड सोलन पार्ट विद सो मच फोर्स द पुअर ओल्ड क्रीचर इंस्टेंटली एक्सपायर्ड द पीपल

साथ उसको हमने स्टार्ट करना है सो so ही तो यहाँ पे एच कैपिटल होगा सो ही इनवाइटेड मी टू द फुटबॉल गेम बट तो बट से पहले कॉमा आता है बट आई आई यहाँ पे देखें हमेशा कैपिटल होता है ये कैपिटल होगा बट आई भी सही नहीं लिखा देखें प्रॉपर पंक्शन क्या होगी एस एन और फिर उसको पॉस्ट ऑफी और फिर टी आई वॉजेंट एबल टू गो जेम्स अब जेम पे गो के बाद देखें जेम्स की जो स्पीच है वो कंप्लीट हो जाती है यहां पे हम कॉमा डालेंगे फिर जेम्स का जे कैपिटल होगा ठीक है और अगेन और बात है कि देखें गो के बाद कॉमा जब डाले उसके बाद स्पीच भी इसकी एंड हो जाती है तो यहाँ पे हम इनवर्टेड कॉमर्स भी डाल देंगे यानी कॉमा के बाहर हम इन्वर्टेड कॉमर्स भी डाल देंगे जेम्स सेड एंड आई हर्ड तो यहां रहा है तो सेंटेंस को हम यहां पे स्टॉप कर देते हैं फुल स्टॉप डाल देते हैं और न सेंटेंस एंड ए कैपिटल होगा फिर आई कैपिटल होगा एंड आई हर्ड लेटर दैट इट वॉज अ ग्रेट गेम तो अगेन ये जेम्स की बात है तो ये स्पीच है डायरेक्ट स्पीच है तो इन्वर्टेड कॉमर्स स्टार्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पे जाके फुल स्टॉप और फिर स्पीच मार्क्स को हम क्लोज कर देंगे तो ये इसकी प्रॉपर पंक्चुएशन हो जाएगी इसको हम दोबारा से अगर लिखें ही इन्वाइटेड मी टू द फुटबॉल गेम बट आई वॉज एट एबल टू गो जेम्स सेड एंड आई हर्ड लेटर दैट इट वॉज अ ग्रेट गेम तो ये अब इस तरह प्रॉपर पंक्शन के साथ ही आ जाती है। तो इस तरह देखें आज के लेक्चर में हमने ग्रामर सेक्शन को वेरी क्विकली जो है वो ओवरव्यू किया है इसमें और भी ग्रामर की चीजें होती हैं जिस तरह के ट्रांजिशनल डिवाइस होती हैं कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज हो सकते हैं या दो पैराग्राफ्स में एक रिलेशन के लिए यूज हो सकते हैं यानी जब आप यानी एक था से दूसरे थाट में शिफ्ट करते हैं ट्रांजिशन करते हैं तो बीच में आप वर्ड्स लिखवा देते हैं लाइक बिकॉज दे फोर इन अदर वर्ड्स फर्स्टली सेकेंडली थर्डली ऑन द अदर हैंड ठीक है एज इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये ट्रांजिशनल डिवाइस कहलाते हैं तो इनको भी आ, वैसे मैं चाह रहा था कि डिस्कस करूँ लेकिन आई थिंक वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो कॉन्सेप्ट है तो इस तरह ये इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट हैं जो आप से पेपर में पूछे जाएंगे तो इनको जो है वो आप अच्छी तरह गो थ्रू कर लें और इनको रिवाइज कर लें ओके सो गुड लक फॉर द पेपर सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर